पॉपुलेशन ग्रोथ फर्स्ट द कंटेंट्स पॉपुलेशन चेंज ओवर टाइम सर्वाइवरशिप कर्वरशिप कर्व टाइप वन सर्वाइवरशिप कर्व टाइप टू एंडशिप थ्री फर्स्ट द पॉपुलेश चेंज ओवर टाइम अगर हम बात करें पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब यह है कि हाउ द पॉपुलेशन इज लिविंग क्या पॉपुलेशन का विद पैसेज ऑफ टाइम उसमें इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज हो रही है इसलिए अगर हम देखें कि नन ऑफ द पॉपुलेशन इज़ कांस्टेंट कोई भी तो पॉपुलेशन जो है वो आमतौर पर जनरली जो कांस्टेंट नहीं रहती है इधर द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग और पॉपुलेशन इज़ डिक्रीजिंग तो बहुत कम है कि पॉपुलेशन बिल्कुल एक स्टैटिक होती है तो आम हालात में या पॉपुलेशन बढ़ रही होती है या फिर क्या हो रही होती है कम हो रही होती है तो इट मीन्स पॉपुलेशन द डायनामिक वन अगर एक ही जगह पर रुक जाओ तो हम उसको कहते हैं स्टेसिस है स्टेटिक हो गई है तो स्टैटिक नहीं होती है बल्कि ये क्या है द पॉपुलेशन इज अ डायनामिक डायनामिक मीन्स इट इज चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम विद पैसेज ऑफ टाइम पॉपुलेशन चेंज हो रही है इट मे बी इंक्रीजिंग इट मे बी डिक्रीजिंग इट्स मैंबर्स मे बी एक्सचेंज इसके मेंबर्स हो सकता है एक पॉपुलेशन के साथ क्या हो रहे होंगे एक्सचेंज हो रहे होंगे सो नॉर्मली द चेंजेस इन पॉपुलेशन आर ड्यू टू द बर्थ ऑफ न्यू एनिमल्स नए एनिमल्स पैदा होते हैं तो पॉपुलेशन जो है उसका साइज बढ़ेगा ड्यू टू डेथ ऑफ द एनिमल्स ऑलरेडी एग्जिटिंग एनिमल्स ऑलरेडी एग्जिटिंग एनिमल्स की डेथ हो रही है तो फिर भी पॉपुलेशन के अंदर चेंज आ रहा है एंड द थर्ड वन इज अ माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स कि समटाइम एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं ग्रुप को एक पॉपुलेशन को छोड़कर दूसरी पॉपुलेशन में चले जाते हैं या किसी दूसरी पॉपुलेशन से पहली पॉपुलेशन में आ जाते हैं तो इस केस में चाहे कोई छोड़ कर जाए चाहे कोई आकर ज्वाइन करे दोनों केस को हम माइग्रेशन कहते हैं तो डेथ बर्थ एंड माइग्रेशन दीज आर द फैक्टर विच एक्चुअली चेंज द पापुलेशन साइज जो पापुलेशन का साइज को क्या करते हैं चेंज करते हैं सो हाउ टू स्टडी द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पापुलेशन ग्रोथ को स्टडी करने के लिए आमतौर पर हम जो पॉपुलेशन है उसके एस्टिमेट्स के लिए हम सर्वाइवरशिप कर्व्स जो हैं वो यूज़ करते हैं सो फॉर द स्टडी द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वी एक्चुअली ड्रॉ सर्वाइवरशिप कर्व्स व्हाट आर द सर्वाइवरशिप कर्व्स सर्वाइवरशिप का लफ्स मतलब बच जाना तो सर्वाइवरशिप कर्व्स मीन ये एक ऐसी कर्व्स है जिसमें हम पॉपुलेशन के अंदर जो जिंदा रह जाने वाले एनिमल्स हैं उनकी उनका ग्राफ ड्रा करते हैं विद रेफरेंस टू दिन या इन टू एज सो बेसिकली सर्वाइवरशिप कर्व क्या है ये एक लॉगोर्थमिक प्लॉट है जिसमें हम पॉपुलेशन को लॉगोर्थमिक से लेंगे और जो जबकि दूसरे एक्सिस के अलावा हम क्या लेंगे उसकी एज लेंगे तो अगर हम देखें डिफरेंट पॉपुलेशन के अंदर हमें डिफरेंट टाइप्स के सर्वाइवरशिप पैटर्न मिलते हैं नॉर्मली देर आर थ्री मेन पैटर्न ऑफ सर्वाइवरशिप कर् नंबर वन इज दर्वाकेंड इज दर्वाइवरशिप कव टाइप टू एंड दर्ड सर्वाइवरशिप कव टाइप थ्री सो लेट वी डिस्कस फर्स्ट दाइपरशिप कव सो इन टाइप वनवाइवरशिप कव एक्चुअली द एनिमल्स दे लिव देअर होल लाइफ जितनी उनकी फिजिकल लाइफ है वो क्या करते हैं उसको सर्वाइव करते हैं एंड दे डाई बाई दैन दे आर ओल्ड एज तो मोस्टली एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी लाइफ पूरी करते हैं और उसके बाद एक टाइम आता है जो क्या कर देंगे वो उनकी डेथ होगी एंड दे विल डाई अच्छा इस तरह की जो ग्रोथ पैटर्न होगा उसमें का मतलब यह है कि अगर सपोज टेन या हंड्रेड एनिमल्स जो हैं वो पैदा हुए हैं तो दे विल सर्वाइव थ्रू आउट देयर लाइफ वो अपनी पूरी लाइफ में सर्वाइव करेंगे हंड्रेड रहेंगे और जब उनकी फिजिकल लाइफ पूरी हो जाएगी उसके दैन दे विल डाई इस तरह से जो हमारे पास कर्व बनेगी वो एक बिल्कुल स्टेट लाइन होगी और एंड अप के ऊपर जाकर ये नीचे को फॉल कर जाएगी इस तरह के जो कर्व्स हैं इनको हम कन्वेक्स कर्व्स भी बोलते हैं कन्वेक्स सर्वाइवरशिप कर्व या टाइप वन सर्वाइवरशिप कर्व सर्वाइवरशिप कर्व टाइप वन के अंदर जो एनवायरमेंटल फोर्सेस हैं दे रेयरली इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन को बहुत कम इन्फ्लुएंस करते हैं जिसकी वजह से एनिमल्स जो उनकी डेथ नहीं होती है दे लिव दियर नॉर्मल लाइफ अपनी नॉर्मल लाइफ के गुजारते हैं और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो उनकी डेथ का बायस नहीं बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं इसमें स्पेशली द ह्यूमन वन ह्यूमन जो है ये इसकी जो ग्रोथ का पैटर्न अगर हम देखते हैं तो ये सर्वाइवरशिप टाइप वन है कि टाइप वन की सर्वाइवरशिप को फॉलो करता है कि जितने ह्यूमन मोस्टली ह्यूमन देयर सर्वाइव देयर फिजिकल लाइफ तो अपनी फिजिकल लाइफ जो पूरी फिजिकल लाइफ का मतलब ये है कि अगर एक इंसान है उसने अगर सेवनटी ईयर तक सर्वाइव करना तो मोस्ट ऑफ द ह्यूमन दे लिव न्यू टू सेवेंटी या सिक्सटी के करीब जिंदा रहते हैं ओके सेकेंड वन इज द टाइप टू सर्वाइवरशिप का टाइप टू सर्वाइवरशिप कर्व ये कैसी ग्रोथ पैटर्न है जिसमें नॉर्मली द एनिमल्स दे डाई इन ऑल स्टेज ऑफ देयर लाइफ ये वो ऐसा पैटर्न है जिसके अंदर टाइप टू सर्वाइवरशिप कर्व में ये होगा कि एनिमल्स जो हैं जब पैदा हुए सपोज देयर थाउजेंड थाउजेंड हैं तो थाउजेंड जब तक अडल्ट एज तक पहुँचते हैं तो हर स्टेप के ऊपर उनकी रेप एक कॉन्स्टेंट पैटर्न से डेथ होती चली जाती है इसका रिजल्ट ये हो होता है कि बहुत थोड़े जो होते हैं वो अडल्ट एज को पहुँचेंगे और अडल्ट एज के ऊपर पहुँचने वाले भी अगेन दे वे दे विल भी थ्रेटन टू द डेथ उनको भी जो है डेथ जो है उसको जो है वो थ्रेट होगा सो so, अब कहता है कि ये जो पैटर्न है इसका अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये यूँ होगी कि यूँ ऊपर से नीचे बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म नीचे आएगी इसको कहते हैं डायगोनल सर्वाइवरशिप कव जो होगी तो डायगोनल सर्वाइवरशिप कब में जो पॉपुलेशन रैपिडली डिक्रीज करती है पॉपुलेशन डिक्रीज करने का मतलब यह है कि जितने पैदा हुए थे और एंड तक पहुँचने तक मुसलसल डाई करते रहेंगे कुछ जुविनाइल स्टेज पर डाई करेंगे कुछ यंग होंगे अभी डाई करेंगे कुछ थोड़े अडल्ट होकर डाई करेंगे इस जैसे सबसे मसलसल उनकी जो है वो डेथ होती चली जाती है टाइप टू सर्वाइवरशिप कर्व के अंदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दे है वेरी क्रूशल रोल अपना बड़ा क्रूशल रोल प्ले करते हैं दे इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ लाइफ स्पैन ऑफ द एनिमल्स आमतौर पर टाइप टू सर्वाइवरशिप कर्व में एनिमल अपना फिजिकल लाइफ स्पैन पूरा नहीं करते हैं बहुत कम है जो करते हैं मोस्टली वो अपना फिजिकल लाइफ स्पेंड पूरा नहीं कर सकते हैं इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं बर्ड्स एंड द रोडेंट्स हैं तो दोनों के समय में चाहे बर्ड्स और रोडेंट्स के अंदर जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत हाई है जैसे एग्जाम्पल्स अगर हम देखें जो बर्ड्स हैं बर्ड्स जितने बर्ड्स पैदा होते हैं वो तकरीबन फिफ्टी परसेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन जो होती है वो हर साल जाए वो ऑटोमेटिक जाए वो डिक्रीज या डाई आउट कर जाती है तो इससे फिफ्टी परसेंट जो है वो डाई आउट कर जाते हैं एग्जाम्पल हमारे पास है जैसे रॉबिन वर्ड है रॉबिन वर्ड की जो फिज़िकल लाइफ स्पैन है वो इलेवन ईयर्स है लेकिन चूँकि अब इसकी जो लाइफ जो पॉपुलेशन ग्रोथ का पैटर्न है वो डायगोनल पैटर्न है तो इसका मतलब यह कि हर लाइफ की स्टेज के ऊपर से के जो प्रडेशन से थ्रेट हासिल है या इसको डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करेंगे तो एट एन एवरेज हर रॉबिन वर्ड को जो नॉर्मल लाइफ स्पैन है वो इलेवन ईयर है बट इट्स स्पेंड्स इट्स लाइफ अबाउट वन पॉइंट फोर ईयर्स तो इसका मतलब यह इसके अंदर डेथ रेट ज्यादा है अच्छा इन एनिमल्स के अंदर ग्रोथ रेट भी ज्यादा है उसके साथ साथ डेथ रेट भी ज्यादा होगा टाइप थ्री ग्रोथ कर्व टाइप थ्री की जो सर्वाइवरशिप कर्व है इन दिस पैटर्न मोस्ट ऑफ द एनिमल्स द डाई एट दियर जुविनाइल स्टेज टाइप टू के अंदर हार्ट स्टेज के ऊपर उनकी डेथ हो रही है इवन अडल्ट स्टेज के ऊपर भी उसकी क्या करिएगा उसको डेथ हो रही है जबकि टाइप थ्री के अंदर द एनिमल्स दे मोस्टली डाई एट दर जूविनल स्टेज जूविनाल का मतलब अभी यंग एज के ऊपर उनकी डेथ हो जाती है वेरी फ्यू ऑफ देम दे रीच टू द फाइनल स्टेज द अडल्ट स्टेज के जो अडल्ट स्टेज के ऊपर पहुँचते हैं वो सर्वाइव करते हैं द एग्जाम्पल सबसे इससे फेमस एक्सर आपने पढ़ा की है फ़िजेज़ के लिए आपने नॉर्मल पढ़ा वगैरह कुछ फिजिज़ जो होती हैं दे गिव आप टू नाइनटी लैक एग्स पर यर एक सीजन के अंदर नौ लाख नब्बे लाख तक अंडे उनके देते हैं लेकिन उनसे जो अडल्ट सर्वाइव करते हैं वो जस्ट ट्वेंटी थर्टी या फोर्टी होते हैं तो इसका मतलब यह कि मोस्टली जो है वो जो फिशज़ होती हैं वो अपनी अर्ली एज के अंदर क्या हो जाती हैं उनकी डेथ हो जाती है और बहुत कम जो है वो सर्वाइव कर सकती है सो हेयर वी हैव द कर्व्स ये तीनों कर्व्स आप देख सकते हैं सबसे ऊपर टाइप वन है रेड जो हमारे पास है टाइप वन के अंदर जितने एनिमल हंड्रेड प्रोड्यूस हुए थे तो हंड्रेड के हंड्रेड ही तो ऑलमोस्ट सर्वाइव किए जा रहे हैं और जब उनकी फिज़िकल लाइफ पूरी हो जाएगी उसके बाद उनकी डेथ होगी और गे ग्राफ बिल्कुल नीचे आएगा इसी तरह से टाइप टू जो है सेंटर में अगर आप देखें बर्ड्स जो है टाइप वन में जो एग्जाम्पल आपको सरीनो की उसने दी हुई है ह्यूमन की भी हो सकती है यहाँ टाइप टू के अंदर बर्ड्स हैं बर्ड्स में कॉन्स्टेंट लॉस है मीन अगर हंड्रेड बर्ड्स हैं तो ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है कि इनकी डेथ होती जा रही है तो जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो जो जितने पैदा हुए थे हंड्रेड तो एट द एंड यानी हर स्टेज के ऊपर डेथ होती जाएगी अर्ली स्टेज फाइनल स्टेज जिस तरह से इनकी डेथ होती चली जाएगी टाइप थ्री में हमारे पास फिशेज हैं अब अगर देखिए शुरू में ही ग्राफ नीचे आ गया इसका मतलब है कि शुरू एज में ही डेथ हो गई है उसके बाद जो सर्वाइव की हैं वो थोड़ी हद तक स्टेबल लाइफ गुजारेंगे